हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद विधानसभा के घेराव करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। इस संदर्भ में मंच की मंडी में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक पराश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक के उपरांत अशोक पराश ने कहा कि हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने वाला था, परंतु मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें पिछले कल शिमला में बुलाकर मंच की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि स्थायी समाधान के लिए जो हमें ग्रांट इन 50 करोड़ रुपया मिलने का मिलता है, उसका जो उचित प्रतिशत है पेंशनरों का, उसको 7 तारीख से पहले पहले पेंशनरों को वो पेंशन लागू उससे दी जाए। अन्यथा क्या होता था, उस पैसे का टायर वाले का, स्पेयर पार्ट वाले का, दूसरे का, डीजल वालों की पेमेंट कर देते थे और पेंशन हम लोग वंचित रह जाते थे। लेकिन इसका निश्चित प्रतिशत वहाँ पे तय कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये हुई कि 2018 से लेकर के 2020 तक जिन हमारे सेवन कर्मचारियों की जो गृहस्थी लिव इन कैशमेंट का बकाया धनराशि बनती है, वो भी इन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक तय कर दी है, वो भी मिल जाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी पहले बताई कि हमारा जो 2016 से मिलने वाला वित्तीय लाभ नए स्केल का है, वो भी निगम में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ सेवन कर्मचारियों को दिया जाएगा। और पेंशन के स्थायी समाधान के लिए भी मैंने पहले बताया कि इन्होंने बोला कि नई सोच के साथ इसमें सकारात्मक हम लोग इसको ये करेंगे, लागू करेंगे। तो इस कारण ये मुख्य कारण थे। इसी को लेकर के 22 मार्च को मुझे लगता है परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि BOD की बैठक में सारे विषय जाएंगे और BOD की बैठक में इन विषयों को लेकर के हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, इसको लागू भी करने की प्रयास करेंगे। और यही कारण था कि कल आज का जो हमारा धरना था वो हमने स्थगित किया। अन्यथा हम लोगों ने तो दो टूक कह दिया था कि हमारे लोग चंबा से, कांगड़ा से, नाहन से, दूसरे जो दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, किन्नौर से, 12 जिलों के, वो रात को चलना शुरू कर देंगे। 12 बजे से पहले पहले हमारे से बात करो। और काफ़ी लंबी बात के बाद इस निर्णय पे हमने पहुंचे कि हम लोगों को भी लगता था कि हम लोग प्रदेश सरकार का मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री की जबान तो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन फिर भी हमने लिखित आश्वासन के लिए बोला। उन्होंने हमें प्रोसीडिंग रात को 11 बजे मुख्य कार्यालय में आकर के प्रोसीडिंग तैयार की। चीफ सेक्रेटरी ने उसको स्टडी किया, उसके बाद दूसरे दिन परिवहन मंत्री को गई, परिवहन मंत्री से हमें प्रोसीडिंग मिली, तब हम लोगों ने इस बात पर आश्वस्त हुए और अपने लोगों को बताया कि हम लोगों ने धरना इन कारणों से स्थगित कर दिया।